हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारे क्लोथ्स, मतलब ढेरों क्लोथ्स दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली कल मैं शॉपिंग पे गई थी मलाड़ मुंबई, अच्छा मार्केट है लगता है। मैं और मेरी बहन हमेशा वहाँ जाया करते थे पहले, और कल भी गए थे तो हमने खरीदारी बहुत सारा किया था। ये सारे ड्रेस मैंने मलाड़ से खरीदे हैं, तो इन सारे ड्रेस को मैं ट्राई करने वाली हूँ, एक एक करके ट्राई करूँगी और सबका प्राइस बताऊंगी, सबके बारे में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। ये गाउन मैंने कल लिया था मलाड़ से और इसका जो प्राइस है मात्र 600 रुपए है। ये जो कपड़ा है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा है, मतलब सिल्काऊ पे है। दोस्तों, ये जो ड्रेस है पूरा का पूरा लॉन्ग है और बहुत ही बढ़िया है। मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ। और ये मुझे ठीक लगा, मतलब कोई खास भी नहीं लगा, प्राइस के हिसाब से ठीक है। ये आप चाहो तो रेगुलर यूज में भी डाल सकते हो, या फिर आप मार्केट जा रहे हो, पार्टी के लिए जा रहे हो तो आप इसको पहन सकते हो। मैंने लिया कि मैं मार्केट जाऊंगी तो पहनूं, घर पे पहनूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इनके नीचे आपको लेगी पहनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको पहन लोगे तो हो जाएगा। इनमें साइज अलग अलग आते हैं, मतलब हर साइज में मिल जाते हैं। और ये मैंने लिया है नटराज मार्केट से, मलाड़ से। इसका जो बाजू है कटिंग में है, ये जो आप आगे का देख रहे हो ना, ये इसकी वजह से ये पूरा ढका हुआ है, अदरवाइज ये पूरा है नहीं। बाजू मतलब हाफ है, कटा हुआ है। और एक मिल रहा था जो सिर्फ बाजू ही था, ये चीज़ नहीं था, बट मैंने सोचा कि इसको भी ले लेते हैं, थोड़ा लुक बढ़ जाएगा, अच्छा लगेगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। ये फ्रंट से है और सेम मतलब बैक से भी ऐसा ही है, ये देखिए। पहना है ये है वन पीस है, बट ये थोड़ा कुर्ती स्टाइल में है, बीच से कटिंग है। ये देखिए, देखिए मैंने अभी ब्लू लेगी पहना है, मैच नहीं कर रहा है आई नो, बट मैंने ऑलरेडी पहना हुआ था तो मैंने सोचा कि ऐसा ट्राई कर लेते हैं। ये जो ड्रेस है ना, जींस पे या फिर पिंक लेगी होगा ना, उस पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो बोलूंगी अगर आप लोग इस टाइप के ड्रेस पहन रहे हैं तो जींस ही पहने, जो टाइट वाला होता है ना, स्किनी जींस, उसको पहने, काफी अच्छा लगेगा। और ये मेरे साइज का है और ये जो कपड़ा है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। ये ऐसा कपड़ा है ना कि आप इसको समर और विंटर दोनों में पहन सकते हो। दोस्तों, इस पे जो प्रिंट बनाया गया है काफी बढ़िया है और ये काफी अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे एक नजर में ये चीज भाग गया था, मुझे व्हाइट एंड ब्लैक बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट व्हाइट पे भी कुछ कुछ कलर होते हैं ना जो ऐसे मिला के बनाए जाते हैं, वो भी ड्रेस मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे ये बढ़िया लगा है, आप बताइए आपको ये ड्रेस कैसा लगा। और बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस आप सुनोगे तो चौंक जाओगे, मात्र 700 रुपए में मिला। मुंबई के मलाड़ मार्केट के नटराज मार्केट के अंदर ऐसे ड्रेसेस बहुत सारे मिलते हैं जिनका स्टार्टिंग प्राइस मात्र 500 में होते हैं। वो डिपेंड करता है आप ड्रेस कैसा ले रहे हो। इसकी जो लेंथ है ना बहुत ज्यादा, मतलब पूरे नीचे तक की है। मैंने क्या सोचा है कि मैं इतना नीचे तक का नहीं रखूंगी, क्योंकि मैं जब नॉर्मल चप्पल पहन के चलूंगी ना, तो ये नीचे मिट्टी धूल धक्कर वगैरह में लगेगा, तो मैंने सोचा है कि थोड़ा सा कटिंग करेंगे नीचे से, फिर उसको फोल्ड कर देंगे, तो ये मेरे साइज का आ जाएगा। ये जो ड्रेस मैंने पहना है ये है वन पीस फ्रॉक स्टाइल में है। इसकी जो लेंथ है ये घुटनों तक की है और इसका जो प्रिंट है बहुत ही ज्यादा प्यारा है। आप चाहें तो इसके ऊपर लेगी भी पहन सकते हैं। और ये थोड़ा सा ढीला है, क्योंकि मुझे ये ढीला ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा ढीला टाइप का ही, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको बांध देंगे तो भी ये अच्छा लगेगा, बट मुझे थोड़ा सा ढीला ही चाहिए। मैं ढीले कपड़े ज़्यादा यूज करती हूँ, मुझे ढीले कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
और इसको मैंने लिया था घर पे पहनने के लिए, क्योंकि घर पे मतलब कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए रहते हैं, तो मैंने सोचा कि एक घर के लिए भी लेते हैं, घर में पहन के काम वगैरह करने के लिए या फिर आसपास के मार्केट जाने के लिए भी ये ड्रेस काफ़ी प्यारा है। और ये है वाइट में, और वाइट के ऊपर ये फ्लावर बनाए गए हैं। ये जो आप कपड़ा देख रहे हो ये जॉर्जेट है, और इसके जो नीचे इनर है वो हल्का सॉफ्ट कपड़े में है, मतलब सिल्क टाइप का है, तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये कहीं से चुभेगा नहीं। और इसका जो बैक साइड है ऐसा आएगा, देखिए ये बढ़िया लग रहा है, ये मेरी बहन को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि इसको भी ले लेते हैं। बात करें प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है मात्र 500 रुपये है। 500 रुपये में ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा वन पीस मुझे मिल गया। दोस्तों मैं और जिया मलाड से बहुत सारे ड्रेसेस खरीदे, मैंने अपने लिए 3 वन पीस लिए जो कि मैंने आपको ट्राई करके दिखाया है। अभी एक और ड्रेस है मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, एक्चुअली उसके बारे में पहनने के बाद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं टॉप के बारे में बता दूँ आपको, ये जो टॉप आप देख रहे हो एकदम सिंपल है, लेकिन इसका जो लुक है बहुत ही प्यारा है, किसी को भी एक नज़र में भा जाने वाला है। एकदम पतला कपड़ा है, कॉटन में है, और बहुत 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 ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब कंफर्टेबल है। आप इसको पहन के ट्रैवल कर सकते हो, घर पे पहन सकते हो, कॉलेज जा सकते हो, मतलब जो छोटे मोटे जगह होते हैं वहाँ पे भी जा सकते हो इस टॉप को पहन के। और ये देखिए, ये आगे में जो आप देख रहे हो ना, ये प्रिंट है, ये मल्टी कलर में प्रिंट है, और ये निकलेगा नहीं, मतलब ये अच्छा प्रिंट है। ऊपर डोरी दिया गया है बांधने के लिए, और इसमें एक खास बात है, ये जो इसका बाजू है ना, मतलब हाथ है ना, ये अच्छा कटिंग है, ये देखिए ये पूरा ऐसे है तो, और ये काफ़ी अच्छा लगा जिया को, तो ये जिया के पसंद का है। और इसका जो प्राइस है मात्र 200 है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये टॉप कैसा लगा, मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बैक साइड से भी एकदम सिंपल में है। ये जो ड्रेस मैंने पहना है यह है हुडी, और काफ़ी प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, एक नज़र में मुझे और मेरी बहन दोनों को अच्छा लगा। ये भी थोड़ा सा ढीला है, और हम लोगों ने सोचा कि ले लेते हैं, दोनों शेयर करके पहनेंगे। ये देखिए पीछे हुडी है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी जो लंबाई है पूरा नीचे तक का नहीं है, ये क्रॉप टॉप साइज़ में है। ये देखिए ये क्रॉप टॉप साइज़ में है, जो जींस आते हैं ना अपर जींस, उस पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये ऐसा ड्रेस है कि इसको आप पहन के मार्केट, कॉलेज और घूमने भी जा सकते हैं, चाहे तो घर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है मात्र 200 रुपये है, और इसका जो कलर है हम दोनों बहनों को अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि इसी कलर को लेके चलते हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और बात कर ले कपड़े की क्वालिटी की, तो बहुत ही बढ़िया है, ये कॉटन कपड़े का है, मस्त है, तो मैंने सोचा कि इसको ले लेते हैं। वैसे मैंने मीरा रोड से जींस लिया हुआ है अपर वाला, तो उसके साथ ये मैच करेगा वाइट जींस के साथ, तो आप बताओ कैसा लगेगा ये ड्रेस वाइट जींस के साथ। और मैंने मलाड मार्केट से इसे लिया, ये है टी शर्ट, एकदम सिंपल में है, वाइट टी शर्ट है, और आगे पीछे एकदम सिंपल है, जो इसका गला है मतलब गोल गला है, बढ़िया है, और इसका जो बाजू है थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। इसको मैंने ख़रीदा 200 रुपये में, और ये जो कपड़ा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और मैं बता नहीं पा रही हूँ कौन सा कपड़ा है। लेकिन दोस्तों इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के ख़रीदा, पहला चीज़ कि इसको मैं शर्ट के नीचे पहन सकती हूँ, थोड़ा सा स्टाइलिश लगेगा, और सेकेंड चीज़ कि मेरे पास 2-3 ऐसे ऐसे टॉप थे जो जाली वाले टॉप है, तो उसके नीचे इनर चाहिए रहता है मुझे पहनने के लिए, तो उसके पर्पज़ से भी ले लिया, ये यूज हो जाएगा। इसमें बहुत सारे कलर थे बट मैंने व्हाइट लिया, व्हाइट ऐसा है कि सारे कलर के ड्रेसेस में चला जाता है। दोस्तों ये जो आप फ्रॉक देख रहे हो ये लिया है मैंने सुमन के लिए, हमारे घर पे एक लड़की आती है, मतलब पापा के दोस्त की लड़की है, तो उसके लिए लिया है, बहुत ही प्यारा है और उसमें काफ़ी अच्छा लगेगा। सुमन मतलब छोटी है, अभी बच्ची है, 9-10 साल की है, तो उसके में ये जाएगा। ये जींस कलर का है, बहुत ही बढ़िया है, और जींस कपड़े में भी है। इसका जो बाजू है, बाजू नहीं है, ये पतला सा मतलब फीता है, अच्छा लग रहा है। और इसका जो प्राइस है मात्र 250 रुपये है, और ये ठीक लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि लेके जाऊंगी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और वैसे मैंने उसको बोला हुआ था कि मैं तेरे लिए फ्रॉक लेके आऊंगी,
मैं ढूंढ रही थी वन पीस टाइप का फ्रॉक, बट वहाँ पे नटराज मार्केट में बच्चों के लिए कुछ खास कपड़े नहीं मिल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिल रहे थे और थोड़ा सा अजीब थे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इसलिए मैंने उसके लिए सोचा कि यही ले लेते हैं फिलहाल के लिए, फिर कहीं दूसरे मार्केट में जाऊँगी, उल्लासनगर हो गया या फिर और भी सारे मुंबई में मार्केट है, मीरा रोड और भी सारे हैं, तो मैं उसके लिए वहाँ से कुछ अच्छा खरीद के लाऊंगी। और आखिरी में मैंने ये लिया, ये है चोकर सेट, बहुत ही प्यारा है। और ये लिया मैंने जिया के कहने पे, ये जिया को ज़्यादा अच्छा लगा। और ये मल्टी कलर में यूज होने वाला है, ये बहुत ही सिंपल है, अगर हल्की साड़ी पहनूँ तो उस पर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये गला पकड़ा हुआ रहेगा। अभी मैंने हुडी पहना है इसलिए मैं इसको ठीक से ऐसे पहन के तो नहीं दिखा सकती, बट कभी और पहनेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। इसकी प्राइस की बात कर ले तो ये मिला है मुझे मात्र 100 रुपये में, है ना सुंदर? अगर बढ़िया है तो कमेंट करके बताइए, आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। और ये रहा इसका इयररिंग्स, इयररिंग्स जो है ना मीडियम साइज में है, मतलब छोटा है। जिया को इयररिंग्स ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, जिया को बस ये अच्छा लगा। जिया बोल रही थी कि इसको ले लें और इसके साथ हमारे पास बहुत सारे इयररिंग्स हैं बड़े बड़े, तो उसको मैच करके पहनेंगे। फाइनली दोस्तों मैंने आपको सब कुछ दिखाया जो मैंने मलाड मार्केट से खरीदा, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर न्यू न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।